वो आज का जो टॉपिक है वो है कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम लास्ट आपने किया होगा ये नंबर फॉर्मेटिंग। हाँ सर, नंबर सर, लास्ट आप लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग किया था, आज हम करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेट्स क्या होते हैं सर? देखिए, नंबर फॉर्मेट्स में आपने ये सब पढ़े थे, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंट, डेट, टाइम, परसेंटेज, इस तरह के फॉर्मेट्स पढ़े थे। कस्टम फॉर्मेट्स वो होते हैं जिसमें आप ये कोड की मदद से इनमें से कोई भी फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये कोड्स होते हैं। ठीक है जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ क्लियर है? सर, ठीक। हाँ एक तो इसमें क्या होता है, देखिए, अब जैसे हमें चेक नंबर की बात करते हैं, हमने कुछ चेक नंबर डाले, यहाँ पे 6 डिजिट के डालने हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर कई बार हमें 0 से स्टार्ट करने होते हैं चेक नंबर। अब यहाँ तो 0 से आया नहीं, अब 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल सिंगल कोट दबाते हैं, फिर हम जो भी चेक नंबर है वो डाल पाते हैं। ठीक है जी, अगर हमें इससे पहले 0 लाना है तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जब 0 से स्टार्ट नहीं होता तो ऐसे नंबर ट्रीट करता है, पर जब आपको 0 लगाना पड़ता है आगे तो नंबर में आगे 0 से तो ऐसा कुछ नंबर होता नहीं है, तो अगर हमें लगाना है तो इसको एज ए टेक्स्ट की तरह बनाना पड़ता है। तो अब ये हमें इन्वर्टेड कॉमा, ये सिंगल कोट डालते हैं तो एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता कस्टम फॉर्मेट। है। अब टेक्स्ट में ट्रीट करता है तो क्या होता है जी, कई बार क्या होता है कि ये हमने चेक नंबर लिख तो दिए पर ये कई बार हम एरर ठीक कर देते हैं। यहाँ से ये जो एक एरर है, ग्रीन एरर है, यहाँ से जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरर दिखा रहा है, नंबर स्टोर डैश टेस्ट, हालांकि हमें चाहिए ऐसा, पर ये आपको बता रहा है कि नंबर जो है आपका टेक्स्ट की तरह स्टोर हो रखा है, हालांकि सही भी है, पर बाई चांस कभी मान लीजिए हो जाता है कन्वर्ट टू नंबर, यहां से भी हो गया आपका कन्वर्ट टू नंबर। प्रॉब्लम यह है कि वापस ये 6 डिजिट में कैसे आएगा, वापस इसको 6 डिजिट में लाना था, मैं कैसे लाऊंगा? तो आप यहां पे चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेट सेल में कस्टम पे आ जाइए, और हम 6 डिजिट के चेक नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे 6 टाइम्स 0 डाल देंगे। ठीक है जी, ओके कर देंगे। सिक्स टाइम्स हम 0 डाल देंगे। एक सेकेंड सर, इनका कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक स्पीकर का। साउंड क्लियर नहीं है सर। साउंड आपका नेट कनेक्शन स्लो है सर, बाकी मैं नेट सही। है तो स्लो स्लो साउंड ही नहीं उठ रहा है। सर जी दूसरे लाइन पे आपके साथ ही एक और हैं, उनको भी सही जा रही है आवाज मेरी। क्लियर नहीं है, हाँ? वो मुझे क्लियर आप नहीं है, थोड़ा ऐसा कट हो जाता है।
मुझे आपकी भी प्रॉपर नहीं आ रही है ना, तो नेट की प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ से। अब देखिए, कुछ डाउनलोडिंग पे तो नहीं लगाया आपने? तो जैसा कि मैंने अभी यहां पे दिखाया आपको, यहां पे 6 times 0 डाला मैंने, जिसका रिजल्ट क्या आया कि आपके यहां पे 0 लग गए इनके आगे। अब 0 इनका मतलब क्या है, क्यों लगाया मैंने 0? 0 जो है आपका कस्टम फॉर्मेटिंग में जो है एक प्लेस होल्डर है। अब प्लेस होल्डर क्या करता है, मतलब जितने बार आप 0 दे देंगे, जैसे 6 times आपने 0 दे दिया, क्या करेगा, आप जितना नंबर डालेंगे उतना ठीक है, बाकी बचे हुए में वो 0 से फिट कर देगा, कहेगा मैं तो 6 का 1 लगाऊंगा जो मर्जी करूं। तो आगे इस तरह से आप 0 फीड कर सकते हैं जितने डिजिट तक आपको चाहिए। मान लीजिए 10 digit के चाहिए, तो 10 digit तक आप कस्टम फॉर्मेटिंग में 0 0 दे देंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज आती है, मान लीजिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हम डालते हैं, देखिए क्या होता है, फॉर्मेट होता है, हम इस तरह से डालना चाहते हैं कोई नंबर, इस तरह से डालना चाह रहे हैं। अभी तो इसमें ये फॉर्मूला फॉर्मूला लग गया, प्लस ना लगा के करें तो खाली 9-1 लगा के करें, इस तरह से डालना चाह रहे हैं, प्लस 9-1 लगाना चाह रहे हैं अपने नंबर्स में, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ले ले, हम खाली नंबर डालेंगे और वो ऑटोमेटिक ले। तो यहाँ क्या कस्टम फॉर्मेट सेट करूंगा मैं, जो चीज मैंने इसमें आगे प्रीफिक्स करनी है वो मैं एज इट इज दे दूंगा, प्लस 9-1 डैश, ठीक है जी। अब बाकी अपने नंबर के लिए अगर मैं यहां पे क्या करता हूँ, 0 0 0 दे देता हूँ 10 times, 3। अब क्या करता हूं, मैं इधर नंबर डालता हूं, अपने आप ले रहा बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम, मान लीजिए नंबर कुछ कम डिजिट का है, तो क्या करता है ये, बाकी 0 से फिल कर देगा आपके 10 digits को। यहां प्रॉब्लम, आप चाहते हैं कि नंबर तो आए पर ये डिजिट से फिल ना करे, तो ये 0 से आप चाहते हैं कि ये आपको फिल ना करे। इसके लिए क्या करेंगे, वापस जाएंगे इसमें और 0 की जगह हैश लगा देंगे, उतनी बार हैश लगा देंगे, जिसके इसमें क्या होगा, प्लस 9-1 वगैरह तो आएगा कुछ भी नंबर में, ये आगे आपके 0 0 0 फिक्स नहीं होंगे, ठीक है जी। तो हमने यहां पे देखा 0 और हैश। अब 0 और हैश में क्या फर्क है, कि 0 जो है कि आपका जो डिजिट, आपने जितनी डिजिट दी है, अगर आपने उतनी नहीं दी तो बाकियों को वो उससे फिल कर देगा, जीरो आपका उन डिजिट्स को फिल कर देगा कस्टम फॉर्मेट में, इतनी डिजिट आपकी लगा देगा अगर आपने कम डिजिट दिए। और जो हैश का सिस्टम है, हैश में क्या करेगा, आपको जितनी डिजिट देंगे अगर आपने उतनी नहीं दिए तो भी वो आगे की प्रीफिक्स वैल्यू आपको लाने देगा। ये सारा खेल है प्रीफिक्स वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर मैं खाली प्रीफिक्स वैल्यू डाल देता हूं
प्रीफिक्स वैल्यू नहीं डालता हूँ, खाली प्रीफिक्स वैल्यू डालता हूँ, तो ये प्रीफिक्स वैल्यू ही दिखाता है, जहाँ ये जो वैल्यू डाल रखी है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ दिखाने के लिए आपका जो प्लेस होल्डर रहता है वो हैश रहता है, यहाँ पे आप सिंगल हैश भी डाल सकते हैं तो भी वैल्यू आपकी पूरी रहेगी। स्काइप में सर आपका आई थिंक नेट का प्रॉब्लम है। आपके में ये चेक कर लीजिए कोई सर्विसेज वगैरह कुछ और तो नहीं चल रहा है, स्काइप वगैरह वो सब ऑफ कर दीजिए। बताते प्रॉब्लम उसमें भी आएगी मेरे ख्याल से आपको। हाँ जी, आपका भी मुझे बहुत वैसे आ रहा है कट कट के। तो सर मैं बता रहा था कि इसमें हैश और अपना जीरो के बारे में। चलिए एक क्वेरी तो हो गई। अब जैसे मैं मीटिंग आईडी भेजता हूँ आपको, तीन डिजिट का होता है, उसमें क्या चाहिए होता है, मुझे बीच में डैश चाहिए होता है। कैसे करूंगा, मैं कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और यहां पे क्या कर दूंगा, हैश 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 डैश, हैश 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 डैश, हैश हैश हैश, ये मैंने दे दिया। अब क्या करूंगा, कोई भी मैं नंबर एंटर करता हूं इसमें 9 डिजिट का, तो अपनी अपनी ये ले लेगा। पर देखिए इसमें मैंने जो डाला है, अगर मैं इसमें उस डिजिट से ज्यादा दे देता हूं जितनी देनी चाहिए, तो क्या होता है, तीन तीन में इसने डिस्ट्रीब्यूट तो किया पर लास्ट वाली डिजिट के आगे बची हुई सारी आगे डाल दी। ये इसी तरह से वर्क करता है, मतलब यहां से 3 डिजिट के बाद इसने 3 डिजिट के बाद डैश लगाया, फिर 3 डिजिट रीड करी, फिर डैश लगाया, फिर यहां बाकी बची हुई डिजिट यहां डाल दी। ठीक है जी, अच्छा अभी थोड़ा क्लियर है। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम था सर, नेट का ही था ना? नेट का तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर तो 20, मेरा तो हाई स्पीड नेट रहता है इधर, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, समझ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये बता रहा था सर, अभी तक मैंने जो बताया इसमें मैंने बताया हाँ चेक नंबर जैसे डालने हैं, ये एडिशनल जीरो मैं लाया इसके ओके अंदर। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, इनको हटाता हूँ और आपके सामने दोबारा से इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये गड़बड़ ना हो। देखिए यहाँ पे जैसे चेक नंबर है, मुझे एडिशनल जीरोस लाने 6 डिजिट का होता है, पर मैंने ऐसे नंबर डाल रखे हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, कस्टम फॉर्मेट में गया और 6 टाइम 0 अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, बाकी जितनी डिजिट दी आपने ठीक है, बाकी उसने 0 में लगा दी। दूसरा एग्जाम्पल था मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर में मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे इंडियन का हाँ +91 कोड डालना है मुझे, और इसमें पहले मैंने डाला 00, पर 00 डालने पे क्या हो रहा था कि अगर नंबर कम है तो ये बाकी नंबर्स को 000 एक्सटेंड कर दे रहा था। सही है। जैसे ये डाला तो ये बाकी में 00 एक्स्ट्रा लगा के दे रहा था, जिसका मुझे कोई यूज नहीं था। इसकी जगह मैं इसको हैश मैंने यूज कर लिया इधर। एक बार हैश भी लगा सकते हैं तब भी पूरा ही नंबर आएगा, चाहे 10 बार लगा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा सही, ओके ओके, हाँ। अब हैश और जीरो में क्या है कि हैश इंसिस्ट नहीं हैश करता द क्या, नंबर, हाँ इंसिस्ट नहीं करता कि आपको उतनी डिजिट ही चाहिए।
जबकि जीरो इंसिस्ट करके लगवा देता है आगे। और बाकी मीटिंग आईडी वाले केस में मैंने क्या दिखाया कि आपने हैश हैश हैश, बीच में डैश चाहिए मुझे 3 डिजिट के बाद, फिर हैश हैश हैश, फिर डैश हैश हैश हैश। मैंने तो इसने लास्ट से काउंट करना शुरू किया, इसने लास्ट से लेनी शुरू की डिजिट, लास्ट से 3 हटाई डैश 3 हटाई डैश, और बाकी फिर इसने सबसे आगे लगा दी। ठीक है सर, चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल खोल दें जहां ये चीज हमारा उसमें है। बहुत सारी चीजें हमें यहीं पे समझाई गई हैं बहुत अच्छी तरह। यहाँ पे आप एक्सेल हेल्प में FN प्रेस करेंगे, हेल्प में आ जाएंगे और कस्टम फॉर्मेट पे चले जाएंगे। कस्टम नंबर फॉर्मेट ऑनलाइन, कस्टम नंबर मेरा क्रिएटेड कस्टम नंबर फॉर्मेट, और इसमें पहले चीज देखिए कि कस्टम नंबर फॉर्मेट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहला आते हैं इधर से डॉलर प्लस प्लस माइनस, और हाँ जी आपके शायद मेरे ख्याल से लिंक भेजा हुआ था ये उन्होंने, तो ये जो निशान्स हैं आपके डॉलर प्लस पैरेंथेसिस कॉलन कैरेट एपोस्ट्रोफ, ये सब आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के यूज कर सकते हैं, और नंबर्स अगर आप टेक्स्ट के एंट्री डाल रहे हैं उसमें प्रीफिक्स करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास से लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब देखिए आपको पहला यूज दिखाते हैं जीरो का, जैसा कि दिखाया, और हैश दो चीजें हैं, एक हमारे पास इसमें क्वेश्चन मार्क भी है और एक पीरियड भी है, इनके मैं यूज दिखाता हूं आपको। अब देखिए जैसे 1234.59 है, इसको आप दिखाना चाहते हैं 1234.6, मतलब राउंड के उसमें कॉन्सेप्ट में दिखाना चाहते हैं, क्या लगेगा हैश हैश हैश, चार बार हैश लग गया डॉट हैश, ये है इसको मैं राउंड करना चाहता हूं इन नंबर्स को, मैं क्या करूंगा मैं कस्टम फॉर्मेट में चला जाऊंगा, हैश का मतलब इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता हूं, तो इसमें पहले चीज मैं डालूंगा हैश डॉट हैश, ये डॉट जो होता है आपका पीरियड को डिफाइन करता है, ठीक है जी, डेसिमल को डिफाइन करता है। जब मैंने इसमें हैश डॉट हैश डाल दिया तो इसका मतलब हो गया कि मतलब आगे कोई भी डिजिट हो कितने भी हो कोई मतलब नहीं, पर डॉट के बाद एक ही डिजिट चाहिए हमें। ठीक है जी, अगर मैं यहां पे दो हैश डाल देता हूं तो देखिए क्या होता है, डबल दे 3 4 5 5 डाल दिया मैंने, सारी आई, पर इसकी जगह मैं क्या करता हूं यहां पे
जीरो डाल देता हूँ। ये क्या कर रहा है, 4 डिजिट तक कंपलसरी रिजल्ट दे रहा है मुझे। तीन डिजिट तक कंपलसरी रिजल्ट देगा, ठीक है जी। जहां आपका हैश आता है, तो तीन का अगर मैंने 4 बार डाला तो ये आगे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाएगा, एक्स्ट्रा नहीं दिखाएगा। पर अगर आप 0 दिखा देंगे तो 0 आगे बढ़ा देगा वो उस चीज को, ठीक है जी। इसी में मान लीजिए आपको 1000 का सेपरेटर लगाना होता है, कई बार नंबर को हम बढ़ा देते हैं और ज्यादा कर देते हैं। अब यहां पे मुझे चाहिए 1000 का सेपरेटर चाहिए, मैं क्या करूंगा, हैश कॉमा हैश 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 डॉट हैश 0 का मतलब क्या हुआ कि दो डिसीमल में वैल्यू होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए, फिर 1000 का सेपरेटर होना चाहिए यानी कॉमा, ठीक है जी। अब मान लीजिए इसके आगे आपको लगाना है रुपीज, हम क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट अगर हमें डालना है तो इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। रुपीज हमने टाइप कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है जी। जो भी आप नंबर डालेंगे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, अब आप यहां पे देख रहे हैं कि एक तो 0.0 आ रहा है यानी 2 डिजिट में नहीं आ रहा, दूसरा 0.32 आ रहा है जबकि एक्चुअल आना चाहिए 0.32। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने सिंगल डिजिट दी है, अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी 125 के बाद, हैश 0 का मतलब कि कंपलसरी 1 डिजिट का 0। अगर मैं दोनों को 0 0 कर देता हूँ, अगर वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो 0 लगा देगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 नहीं दिखा रहा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ठीक आ गया। अब मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे ओनली भी दिखाना है इसके साथ में, तो यहाँ पीछे इन्वर्टेड कॉमाज में मैं कर दूंगा ओनली इन्वर्टेड कॉमाज, ये आ गया। पर इसमें फायदा क्या है कि इस तरह की जो अभी आप चीज करते हैं, एक तो ये कस्टम नंबर फॉर्मेट है तो आप इसे फॉर्मेट पेंटर के थ्रू कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप बस नंबर डालिए ये अपने आप आ जाएगा। दूसरी चीज ये नंबर फॉर्मेट है तो नंबर फॉर्मेट क्या करता है, खाली विजिबिलिटी चेंज करता है, एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, एक्चुअल वैल्यू आपकी वैसे की वैसी है, यानी कि इसके अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने सम कर दिया, ठीक है सर। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप हेल्प में फाइंड करेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेट में तो आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए होंगे आके आपके समझने के लिए, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। दूसरा एक में इसमें एक चीज यूज की गई है, ये अपना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी एक अपना प्लेस होल्डर है डेसिमल के, ये अपना डिजिट्स के लिए, जैसे 0 हैश लगा रहे हैं वैसे ये हम
क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क क्या करता है, इसमें क्या है कि आपका डेसिमल जो है ना, ये देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे इधर इधर है, मतलब डेसिमल को अलाइंड करने के लिए हमारा ये कोड लगता है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, मतलब 3 डिजिट आगे रहेंगी और देन डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, ये आपका 3 का स्पेस बना देगा और सारे डेसिमल जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 डिजिट आप यहाँ डालेंगे, 3 इधर डालेंगे। ये जैसे 5 8 है, इसका मतलब है एक स्पेस इसने छोड़ दिया अगली एक और डिजिट के लिए। तो कई बार क्या होता है, नंबर्स को फ्लो में देखना होता है, एक झटके में ऊपर से नीचे तक नजर मारनी होती है, पर जब डेसिमल आगे पीछे हो तो फिर प्रॉब्लम करता है। डेसिमल्स के केस में आप ये चीज़ ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं ताकि आप फ्लो में जल्दी जल्दी अपना डेटा देख सकें। इससे पहले अगर था तो क्या होता था कि इसमें आपने यहाँ देखा, यहाँ डॉट इधर आ गया, वैल्यू में मतलब नजर इधर से उधर चली गई, अब नहीं समझ आ रहा ये क्या हुआ। जब इस तरह रहेगा तो आपका क्लियर रहेगा देखने में, यूज कर सकते हैं, यूसेज के ऊपर है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 5.25 है, इसको आपने दिखाया है 5 1/4। इस तरह से फ्रैक्शंस में दिखाना है। फ्रैक्शंस को आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, आप हैश और जीरो से भी फ्रैक्शंस लगा सकते हैं, बट फॉर अलाइंड फ्रैक्शंस, जैसे अलाइंड डेसिमल किया था हमने, ऐसे ही अलाइंड फ्रैक्शंस भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ये चीज कम ही यूज होती है, पर फिर भी एक बार देख लें इसको। जैसे इन्होंने किया 5.25, और 3.5, 2.75, इन तीनों का मैं कर देता हूँ। अगर मैं वैसे करता हूँ इसको क्वेश्चन मार्क, ये आपका डिवाइड का साइन जो हो गया स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क, ये क्या कर रहा है कि पूरा इकट्ठे ही दिखा रहा है, 21/4 कर दिया इसने इसको। अब हमें इसमें से एक वैल्यू अलग करनी है ना, तो यहाँ पे हैश लगा दीजिए और स्पेस दे दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हैश दबा के स्पेस दे देंगे तो ये आगे वाली डिजिट को अलग कर देगा और बाकी डेसिमल के बाद की वैल्यूज को फ्रैक्शंस में दे देगा, ठीक है। तो आप इसके लिए ये आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए 12,000 को आपने दिखाना है, जैसे मैंने दिखाया आपको ये सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर दिखाया, 12,000 को यहाँ पे बीच में कॉमा दिखा दिया। अब 12,000 को खाली 12 दिखा रखा है, इसका इसमें क्या कोड यूज किया है इन्होंने, हैश और कॉमा खाली। हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे? हैच पे तो 2 डिजिट गिना जाता है, पिस्टल है के लिए तो एक डिजिट डालने का, तो एक हैच डालना चाहिए हैश के लिए। हैश का
हाँ, एक हैश का मतलब हैश जो है वैसे तो किसी भी डिजिट के लिए होता है, तो डिजिट के लिए। कोई भी डिजिट के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा एक ही डिजिट के लिए होता है। एक ठीक है, या पहले जो इनका पॉजिटिव नेगेटिव मैं ट्रैक किया, कहाँ पे, वो मैं आपको शुरू में आगे देता बताऊंगा, है पॉजिटिव नेगेटिव। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, ओके ओके ये लॉजिकल की कैलकुलेशन। पहले अब देखिए, यहाँ पे 12,000 को 12 की तरह दिखाया है, इसके लिए कोड यूज किया है हैश और कॉमा। यहाँ पे अगर मैं खाली हैश और कॉमा लगाता हूँ, खाली 10 आ रहा है ना, अब ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे वैल्यू इन लाख एंड वैल्यू इन करोड़ करते हैं ना, उस जगह यूज होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक्सेल में जो होता है सारा का सारा सिस्टम अंग्रेजी वाला होता है, थाउजेंड तक तो ठीक रहता है, पर मिलियन बिलियन की बात बात मिलियन उसके बाद डायरेक्ट मिलियन पे जाता है। ठीक है जी, अब हमें चाहिए इंडियन नंबर फॉर्मेट, यानी कि यहाँ जो मैंने नंबर डाले हैं उसमें जो कॉमा है, एक तो यहाँ पे 1,24,123 है, तो पहला कॉमा जो है वो यहाँ पे आना चाहिए एक पे, दूसरा 24 के बाद आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पे लगाता हूं, फॉर्मेट लगाता हूं, इसके लिए क्या करूंगा, हैश लगाया, कोमा लगाया, फिर हैश लगाया, ये हैश हैश हैश, दो हैश यहां होना चाहिए, एक कोमा यहाँ, कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनना तो चाहिए पर आ नहीं रहा है। गड़बड़ कहाँ है, ये जो कॉमा का सेपरेटर है या तो मिलियन पे काउंट करता है या थाउजेंड पे काउंट करता है, लाख का बीच में है ही नहीं। तो इसका जो नतीजा है, इस कॉमा का अपना मतलब है, इसको पलटने के लिए हम बैक स्लैश यूज करते हैं। ठीक है जी, बैक स्लैश लगा दिया आपने किसी करेक्टर के साथ, तो अब हमने इसे कस्टमाइज कर दिया है बैक स्लैश इसके, क्योंकि कॉमा का पहले ही कुछ यहाँ पे मतलब था, ये सिर्फ इसी केस के लिए होगा और कहीं नहीं। जो करेक्टर इसके अंदर है और उनका अपना कुछ मतलब है, जैसे कॉमा का मतलब है कि आप एक बार कॉमा डालेंगे तो 1,000 के लिए होगा, दूसरी बार डालेंगे तो वो मिलियन के लिए होगा, तो ये मतलब है, इस मतलब को हटाना चाहते हैं हम और वहां खाली कॉमा ही लगाना चाहते हैं कि जिस फॉर्मेट हमने दिया है उस तरह से। यहाँ पे हम बैक स्लैश डाल देंगे कॉमा से पहले, तो ये मेरा इंडियन नंबर फॉर्मेट हो गया। पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी मैं एक प्रॉब्लम खड़ी करता हूँ, 11 लाख ठीक है, 1 करोड़, 11 लाख। अब यहाँ 1 करोड़ के आगे तो मुझे चाहिए कॉमा, हाँ जी, फॉर्मेट और बड़ा कर देते हैं,
यहाँ फॉर्मेट लगा हुआ है, मैं क्या कर देता हूँ, हैश कर देता हूँ, फिर बैक स्लैश और कॉमा ये लगा दिया, फिर हैश कर दिया, इस तरह से मैंने कर तो दिया, फॉर्मेट बना दिया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ दूसरे के आगे 2 लाख के आगे कॉमा लग गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गई कंडीशन सीधे सीधे, यहाँ पे आ गई कंडीशन आपके सामने कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास वैल्यू जो है 1 करोड़ से नीचे हो तो दूसरा फॉर्मेट अप्लाई कर ले, अदरवाइज ये वाला कर ले। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कंडीशन। कंडीशन कैसे डालते हैं, हम कंडीशन डालते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन है या वैल्यू छोटी है 1 करोड़ से, हो गए कितने 1 करोड़ से, तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करें, अदरवाइज अदरवाइज के लिए क्या करेंगे, सेमी कॉलन। इसी को कॉपी कर लेंगे, अगली कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर वैल्यू छोटी है 1 लाख से, तो उसमें हम 1 लाख वाला फॉर्मेट लगा देंगे, ये लगा दिया। लाख से कर दिया, और ये भी नहीं तो कौन सा लगा दें, अपना 1000 वाला सेपरेटर जो है, 1000 वाला सेपरेटर कौन सा है, ठीक है ओके। यहाँ पे एक कंडीशन नहीं चली, कंडीशन को ऐसे लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू करके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब आ गई है कंडीशन दोनों, तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर आपकी कंडीशन लगती है कि अगर वैल्यू 1 करोड़ से के इक्वल है या उससे बड़ी है तो आपका ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। सेमी कॉलन के बाद फिर आपकी अगली कंडीशन, पहले उसने पहली में चेक किया उसमें था तो ये अप्लाई कर दिया, अगर उसमें नहीं था दूसरी कंडीशन आती है कि लाख में था, लाख से बड़ी हो है या, तो ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, और लाख के भी अंडर नहीं आ रही है तो ये इसने बचा हुआ फॉर्मेट यहाँ से ये आगे लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है, 1000 की वैल्यू है, ये 1000 का ही खाली अप्लाई करेंगे आगे। ये आपका इंडियन नंबर फॉर्मेट आप इस तरह से बना सकते हैं। ये तो हमने यूज किया नंबर्स के लिए, अब देख लेते हैं डेट्स के लिए कैसे यूज करते हैं।
ये मैंने एक डेट डाली, डेट में क्या करेंगे हम? अगर मैं खाली डी डालता हूँ तो ये मुझे डे दिखाएगा सिंगल डिजिट में, डी डी डालता हूँ तो डबल डिजिट में डे दिखाएगा, और डी 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 तीन बार डी डालता हूँ तो मेरे को एब्रिविएटेड डे का नेम देगा, न्यूमेरिक नहीं दिखाएगा। चार बार डी डालता हूँ तो फुल डे नेम बताएगा, ट्यूसडे सैटरडे संडे इस तरह से। ठीक है जी। दूसरा मंथ, अगर मैं एम डालता हूँ तो सिंगल डिजिट में मंथ का नेम, दो बार एम डालता हूँ तो डबल डिजिट में मंथ का नंबर, तीन बार एम डालूंगा तो एब्रिविएटेड मंथ नेम, चार बार एम डालूंगा तो फुल मंथ नेम, अगर पांच बार एम डालूंगा तो खाली इनिशियल दिखा देगा, जनवरी के लिए खाली जे, जून के लिए जे इस तरह से, फरवरी के लिए एफ, इसी तरह से आपका ईयर में, ईयर में दो फॉर्मेट चलते हैं, वाई वाई और चार बार वाई, दो बार वाई या चार बार वाई, दो बार में आपको डबल डिजिट में ईयर दिखाता है, चार बार में डालते हैं तो फोर डिजिट में ईयर दिखाता है। तो ये इसका यूजुअली कोड है। अब मुझे क्या करना है, डबल डिजिट में डे दिखाना है, फिर डैश दिखाना है, फिर मंथ का एब्रिविएटेड नेम, तीन बार एम कर दिया मैंने, और जो वाई 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 चार बार, मुझे चार डिजिट में वो चाहिए। आपकी डेट इस तरह से आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे संडे मंडे भी कॉमा करके दिखा दे, तो क्या करूंगा, डी 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 चार बार डी डाला, कॉमा डाल दिया, स्पेस दे दिया, ठीक है जी, इसी फॉर्मेट में, तो ये मेरे पास डे का नेम आ गया। ठीक है जी। तो डेट को आप इसी तरह से जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। दूसरी चीज हो गई टाइम। मान लीजिए टाइम है, तो टाइम को भी आप इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एच डालेंगे तो सिंगल डिजिट में आर दिखाएगा, दो बार एच डालेंगे तो डबल डिजिट में आपको आवर का वो दिखाएगा। एच एच करके फिर आप कॉलन डाल के जब एम डालेंगे तो आपको मिनट दिखाएगा इसमें, एक बार एम डालेंगे सिंगल डिजिट में मिनट, दो बार एम डालेंगे डबल डिजिट में मिनट, देन कॉलन डाल के एस एस डालेंगे तो सेकंड्स के बारे में दिखाएगा, आपको सेकंड्स के बारे में दिखाएगा, एस एक बार सिंगल डिजिट में, दूसरी बार डबल डिजिट में। ये आपको दिखा रहा है। ए एम पी एम के लिए क्या करना पड़ता है, ए एम स्लैश पी एम, ए एम स्लैश पी एम, ये आप अलग से डालेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में दिखाएगा। अब आपको खाली ये दिखाना है कि टोटल 24 घंटे से ज्यादा आपका इसमें वो है टाइम है, मान लीजिए इसमें मैंने दिखा दिया कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम है, अब आपको जब टाइम ज्यादा दिखाना हो तो या दिखाना कि कितना वो हो गए, तो उनके आगे बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए उसको, और ये ए एम पी एम को हटा दीजिए। अब मैंने जितना दिन डाले हैं इसमें उतने बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने एच को डाल दिया, तो टोटल आवर्स कितने इलेप्स हुए फुल टाइमिंग में, कितने आवर्स हो गए, तो ये दिखा रहा है। अगर मैं इसमें से एम को बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो कितने मिनट टोटल हुए होंगे वो दिखाता है।
और इसमें अगर मैं एस को डाल देता हूँ, एस एस डाल देता हूँ, कितने सेकंड हुए होंगे वो दिखा देता है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ना क्या कीजिएगा ना, आप इसको खोलिएगा जो मैंने दिखाया हेल्प में। ये चीज मैंने जो दिखाई आप इसको, एक और यूज है इसका। अब देखिए यहां सब तक तो ठीक था, अब टेक्स्ट आपको मान लीजिए रिपीट करना है कोई, ये डेट टाइम का हो गया, टेक्स्ट एक रिपीट करना है। जैसे नेम के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वो डाल देता हूँ, डैश सा डाल दिया मैंने, पर कोई टेक्स्ट मुझे रिपीट करना है। अब ये जो डैश है इसको मैं रिपीट करता हूँ, टेक्स्ट के लिए हमेशा एट द रेट यूज होता है। तो मैं इसमें जाके मैंने क्या किया, एट द रेट स्टार, स्टार क्या करता है किसी चीज को रिपीट करता है। इसके बाद जो मैंने कीवर्ड डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये अंडरस्कोर टेक्स्ट के बाद उसको रिपीट कर देगा। अब मैंने अंडरस्कोर डाला नेम के बाद, नेम ही डाला मैंने, कहा ये उसने जो भी डाला था मैंने वो उसने रिपीट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास को ही रिपीट कर दिया इसे। अब मेरे ख्याल अंडरस्कोर जो है हम डायरेक्टली डाल सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास मैंने। तो इसमें क्या है कि जब तक जितनी आपकी सेल वेट है उस तक उसने कॉपी कर दिया। अब इसकी जगह मैं कोई नंबर डाल देता, वन डाल देता, तो ये वन 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 रिपीट कर दिया सेल वेट तक। टेक्स्ट के लिए इसका इतना ही लिमिटेड यूज है, बाकी आप इसमें आगे जो है इसको देख लीजिएगा। कस्टम नंबर फॉर्मेट एक्सेल हेल्प में जाके उसमें सर्च कर दीजिएगा, ऑनलाइन में ही सर्च होगा ये। सिस्टम नंबर फॉर्मेट, और इसको एक बार एक रिव्यू कर लीजिएगा। जैसे कि ये ब्लू आप देख रहे हैं, ब्लू और ये रेड, ये क्या कर रहा है आपका, ये कलर्स के नाम आप दे सकते हैं कंडीशंस के तौर पे। जैसे कि मैंने आपको ग्रेटर देन लेस देन की एक कंडीशन लगा के दिखाई, तो आप ये कलर्स के नाम जब इसके अंदर दे देंगे इस पे, तो ये उस कलर में हो जाएगा। अब कंडीशन के अंदर उनको दे सकते हैं, जैसे रेड को दे दिया इसमें, मतलब जब वैल्यू जो है 100 हो या उससे छोटी हो तो रेड में दिखाए, अदरवाइज 100 से बड़ी होने पे ब्लू दिखाए, ये फॉर्मेट लग जाए। ये आपके मंथ के हैं, जो भी मैंने आपको मंथ का दिखाया कि 1 से 12 तक दिखाना है तो क्या है, ये कोड्स हैं यहाँ पे, आवर्स के लिए, सेकंड के लिए, मिनट के लिए, टाइम, डेट टाइम का। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसके अंदर, कोई इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके कस्टम फॉर्मेट जो है पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर आज की सभा समाप्त करते हैं। हाँ संदीप जी, हाँ जी सर, जी आप वीबीए कभी करते हैं? VBA का ऐसा कोई, मैं मतलब वैसे तो मैं तो कम ही लेता हूँ, सर ही लेते हैं, सीजी सर ही लेते हैं, मैं VBA को कम लेता हूँ बैठ मेरे। हाँ मैं एक्सेल के ही करता हूँ ज्यादातर। हाँ जी, हाँ जी, VBA के इमरजेंसी में कभी लेने पड़ जाए तो तभी लेता हूँ। अभी आपका तो है ना? हाँ जी है तो सही है, ऐसा है ना सर, पर किसी चीज को पढ़ाने के लिए कुछ और ही नॉलेज चाहिए होती है। सुजीत कुमार के साथ में ही है? हाँ जी, हाँ जी, साथ में। ठीक है सर, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। ओके।